Hello students, in this video we will continue further with alternating current. So in the previous video we had looked at series LCR circuit and parallel LCR circuit, right? So now in this video we are going to talk about something called as resonant frequency. Resonant frequency. Okay. Now let's try to understand what is resonant frequency. Okay. So let's say if you have a series LCR circuit, ये inductor है, you have a capacitor and you have a resistor R, okay, and it is connected to an AC source, ठीक है. So ऐसे केस में, इस particular केस में ये AC source का काम होगा current supply करना. Now how much would be the current in the circuit? तो आपका जो current होगा that will be equal to, so if this AC source is equal to E naught sin omega t, तो करंट विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय जेड, राइट, वेयर जेड इज द टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट. सो आई कैन राइट करंट एज ई डिवाइडेड बाय, हमें पता है जेड को लिखा जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर. ओके, नाउ यहां पे मान लो कि आपको करंट को मैक्सिमाइज करना हो, तो व्हाट यू वुड हैव टू डू टू मैक्सिमाइज द करंट, टू मैक्सिमाइज द करंट, ओके, आपका ये जो इंपीडेंस है या डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए. अब डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? सी, इफ यू सी ओवर हियर, एल सी एंड आर दीज आर कॉन्स्टेंट वैल्यूज, यू कैन नॉट चेंज देम. What can be changed is basically the frequency of this AC source. So frequency of the AC source can be varied. Okay. So basically आपको इसकी frequency इस तरह से adjust करनी है so that the current in the circuit is maximum. Circuit के अंदर जो current है that current has to be maximum. Now before we go on to that कि वो frequency क्या होगी, let's try to write XL and XC in terms of frequency or in terms of omega. तो हमें ये पता है current जो होता है this is equal to E divided by R square plus omega L. XL can be written as omega into L minus 1 upon omega into C the whole square. Okay. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, आपको करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा. अब जब डिनोमिनेटर को मिनिमम करने की बात आती है तो ये दोनों जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना. ओके, नाउ किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, तो मिनिमम वैल्यू जीरो होती है तो अब आर कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, आप ओमेगा चेंज कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो. सो बेसिकली टू मेक टू मैक्सिमाइज द करंट, ये वाला जो टर्म है ना आपका, ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए. सो टू मैक्सिमाइज द करंट ओमेगा इज चोजन सच दैट ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू जीरो. सो ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा इंटू सी. ओके, सो आई कैन नाउ राइट दिस एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी. सो आपका ओमेगा जो होगा दैट विल बी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. सो दिस इज बेसिकली योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग यही कर रहे हैं ना, करंट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस फर्दर. सो ऐसे केस में इफ आई हैव टू फाइंड आउट पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाय जेड इज कॉस फाइव. आपका पावर फैक्टर होता है कॉस फाइव विच इज इक्वल टू आर बाय जेड. आपको याद है हमने सीरीज एलसीआर सर्किट में ये डिराइव किया था. नाउ इफ योर ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, तो आपका ये टर्म जीरो हो जाएगा ना. अब ये होता है आपका इंपेडेंस, आपका ये टर्म जीरो हो जाएगा तो बस क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर दैट इज आर. So I'll write this as R upon R, which is equal to 1. So I can say that, अच्छा, at this frequency, इस frequency को हम लोग कहते हैं resonant frequency.
And at resonant frequency, I can say that power factor is equal to 1. Cos phi is equal to 1. Now cos phi जब 1 होता है तब उस केस में जो सर्किट होता है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है. सो सर्किट कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, ओके, ड्यूरिंग अ साइकिल. सो पावर कंज्यूम पी मैक्स वुड, वी नो दैट इट इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव. अब कॉस फाइव की वैसे ही वैल्यू वन है तो ये मैक्सिमम है, एंड हम लोग करंट को भी तो मैक्सिमाइज कर ही रहे हैं तो आपका ये भी मैक्सिमम है, ये तो गिवन है. चलो ई आर एम एस, ई आर एम एस वी नो इट इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू, बट वी हैव मैक्सिमाइज द करंट, वी हैव मैक्सिमाइज द पावर फैक्टर. सो ये जो पी मैक्स है दैट इज सिंपली इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कैन बी रिटन एज ई आर एम एस अपॉन जेड, राइट, ई बाय जेड. बट जेड की वैल्यू वी नो ना, जेड इज इक्वल टू आर क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस. सो आई कैन राइट आई आर एम एस एज ई आर एम एस अपॉन आर. कॉस वाई की वैल्यू वैसे ही वन है, सो इट इज ई आर एम एस स्क्वेर अपॉन आर. ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट. ओके, नाउ इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ लेट्स से, लेट्स ड्रॉ ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड योर करंट आई. ओके, नाउ आपका करंट का एक्सप्रेशन ही है ना, करंट इज डिपेंडेंट ऑन ओमेगा दिस वे. सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, इसका जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ग्राफ जो होगा ये ऐसा कुछ होगा. ओके, नाउ एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सी फ्रीक्वेंसी ना, कई बार हम लोग एफ लिखते हैं ना, तो ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. सो आई कैन राइट दिस एज, ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है एफ नॉट, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. ठीक है, सो यहां पे दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे यू कैन सी दैट योर करंट इज मैक्सिमम, दिस इज आई मैक्स. ओके, नाउ हमें ये भी पता है कि इस पर्टिकुलर करंट पे या इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पावर कंज्यूम्ड इज ऑल्सो मैक्सिमम. सो एट दिस फ्रीक्वेंसी वी नो दैट पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम. ओके, नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैंडविड्थ. हम लोग बैंडविड्थ डिफाइन करेंगे, बट बिफोर, हाँ चलो बैंडविड्थ डिफाइन करता. सो हाउ डू यू डिफाइन बैंडविड्थ? ओके, सो बेसिकली हम लोग ऐसे दो फ्रीक्वेंसीज चूज करता है जहां पे पावर कंज्यूम्ड इज हाफ ऑफ दिस वैल्यू. ये जो आपकी मैक्स वैल्यू है ना, इसकी वो हाफ होगी. सो यहां पे लेट्स से फॉर दिस फ्रीक्वेंसी एंड सिमिलरली फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, लेट्स कॉल दिस एज एफ वन, दिस एज एफ टू. सो एट फॉर एफ वन एंड एफ टू, फॉर फ्रीक्वेंसीज एफ वन एंड एफ टू, पावर कंज्यूम्ड is equal to P max divided by 2. Okay. Now, why are we finding out, or why are we getting two frequencies over here? The reason is simple. See, F1 पे क्या होगा? F1 पे इस frequency पे हमें पता है ना? इस frequency पे हमें ये पता है कि XL is equal to XC. Okay. Now, F1 is a smaller frequency. Smaller frequency पे क्या होगा? आपकी ओमेगा की वैल्यू कम होगी. ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो दिस टर्म वुड बी बिगर, दिस टर्म वुड बी स्मॉलर, राइट? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कम है तो ये टर्म बड़ा होगा, ये टर्म छोटा होगा. तो सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस का डोमिनेंट बढ़ जाएगा ना.
तो सर्किट के अंदर अगर जो कैपेसिटर का डोमिनेंस बढ़ जाता है, तो आई से दैट दैट सर्किट विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट। एंड कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट रीड्स ईएमएफ। सो लेट मी राइट दैट ओवर हियर एट फ्रीक्वेंसी F1, एट फ्रीक्वेंसी F1 XC is greater than XL, therefore circuit is capacitive, and circuit अगर जो capacitive है तो I can write that current leads EMF. Okay. At F2 exactly उल्टा होगा, आपकी ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी, ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये टर्म डोमिनेट करेगा, तो सर्किट विल नाउ बिहेव लाइक एन इंडक्टिव सर्किट, एंड इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग्स ईएमएफ, करंट पीछे होगा ना ईएमएफ के। ओके, सो नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, इट इज दिस द रेंज बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसीज, इसको कहा जाता है बैंडविड्थ। एंड ये दो फ्रीक्वेंसीज, दीज टू फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्ड टू द पावर कंज्यूम विच इज इक्वल टू पी मैक्स अपॉन टू, इट करस्पॉन्ड टू दिस पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, ओके। नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट द पावर कंज्यूम्ड, ये पावर कंज्यूम्ड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते, तो हमें पता है कि एलसीआर सर्किट के अंदर ये जो पावर कंज्यूम्ड होता है, इट इज सिंपली इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। So I can write ERMS into IRMS can be written as ERMS upon Z, no? Correct? क्योंकि for a LCR circuit IRMS can be written as ERMS upon the impedance into cos phi. Okay. Now we know that P max, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही निकाला था P max की वैल्यू कितनी थी। P max हम लोगों ने निकाला था ERMS square divided by R. Now to find bandwidth हमें क्या चाहिए, what do we need? So हमें यह पता है कि power consumed should be equal to P max upon 2. So हमारा जो P max है, that P max is नहीं, power consumed is ERMS in square अपॉन जेड इंटू कॉस फाइव, दिस इज इक्वल टू पी मैक्स अपॉन टू। पी मैक्स हमें पता है ई आर एम एस स्क्वेर अपॉन आर, राइट। नाउ ये ई आर एम एस स्क्वेर दोनों साइड पे ये कट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, व्हाट आई हैव डन इज पी मैक्स अपॉन टू, ये तो मैंने बस पी मैक्स लिखा हुआ है अपॉन टू, तो ये यहां पे टू आर आ जाएगा। सो अच्छा, कॉस फाइव का एक्सप्रेशन क्या होता है, वी नो द एक्सप्रेशन फॉर कॉस फाइव, हमें ये पता है कॉस फाइव एलसीआर सर्किट में क्या होता है, इट इज आर बाय जेड, इट इज इक्वल टू वन बाय टू आर। ओके, इसको यहां पे देखे जाता है टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, सो जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू आर स्क्वायर, सो जेड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट टू टाइम्स आर, करेक्ट। इससे आपको ये जेड मिल जाएगा। ओके, नाउ जेड को हम लोग देख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट जेड, एज वी नो दैट जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स आर, करेक्ट। सो अब हमें वो फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू फाइंड आउट एफ वन एंड वी हैव टू फाइंड आउट एफ टू, तो यहां पे ओमेगा क्या है, ओमेगा इज बेसिकली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हेन द पावर कंज्यूम्ड इज पी मैक्स बाय टू। ओके, ठीक है, ये आपको समझ में आया। सो हम लोग यही निकाल रहे हैं ना, टू फाइंड आउट द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज बेसिकली नथिंग बट यू कैन सी दिस द रेंज बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज, एंड ये फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड दिस आउट, हम लोग ये कंडीशन यूज कर रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसीज जहां पे पावर कंज्यूम्ड इज पी मैक्स बाय टू। पी मैक्स हम लोगों ने पहले ही निकाला था,
एंड हमें ये पी पावर कंज्यूम पता ही होता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, जहां पे आई आर एम एस कैन बी रिटन एज ई आर एम एस अपॉन जेड। सी आप इसको यहां पे ई आर एम एस अपॉन आर नहीं दिख सकते, वो आप तभी दिख सकते व्हेन जेड इज इक्वल टू आर। बट आप जब ये वाले केस में जहां पे सर्किट जो है वो अपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, किसी और फ्रीक्वेंसी पे है, जब वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे है तो पावर कंज्यूम के लिए आप यही एक्सप्रेशन यूज करोगे, ठीक है। फिर इसके जगह पे ये पुट करो, पी मैक्स के जगह पे ये पुट करो एंड सॉल्व करो, तो यू शुड गेट दिस, ठीक है। नाउ लेट मी सॉल्व दिस फर्दर। सो इफ आई स्क्वेयर बोथ साइड्स, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज आर स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 R² ये इस साइड पे आ जाएगा, और आई कैन जस्ट से दिस वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल दिस इज इक्वल टू आर, ओके द स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 R². सो आई कैन राइट आर एज वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। ये तब आप इसको ऐसे, क्योंकि आर आपका पॉजिटिव नंबर है ना, तो दिस नंबर ऑल्सो हैज टू बी पॉजिटिव। नाउ फॉर दिस नंबर टू बी पॉजिटिव, दिस नंबर शुड बी बिगर देन दिस नंबर, एंड ये नंबर बड़ा कब होगा, जब आपकी ओमेगा की वैल्यू छोटी होगी। सो दिस करस्पॉन्ड्स टू F1, राइट। ये F1 पे यही है ना, दिस इज द लोअर फ्रीक्वेंसी, सो दिस करस्पॉन्ड्स टू F1 और ओमेगा 1, करस्पॉन्ड्स टू लोअर फ्रीक्वेंसी F1, ओके। और R कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, जब ये टर्म डोमिनेंट होगा, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा इंटू सी, ओके। दिस विल करस्पॉन्ड टू, सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट हायर फ्रीक्वेंसी। दैट इज F2, ठीक है। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट ओमेगा 1, यू आर गोइंग टू गेट, यहां से आपको एक ओमेगा का रूट मिलेगा, ओके। सो ये कैसे सॉल्व करोगे, इफ आई मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय ओमेगा सी, सो आई विल गेट ओमेगा इंटू सी इंटू आर इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस ओमेगा इंटू सी इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पे ओमेगा सी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू सी इंटू आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। सो आई गेट दिस एज ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस आर सी ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट ओमेगा एज माइनस सी आर प्लस और माइनस, बट आप माइनस हो गए तो आपको ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो आई टेक दिस एज प्लस बी स्क्वेयर दैट इज सी स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस 4 AB, तो ये प्लस हो जाएगा 4 LC डिवाइडेड बाय 2 A, सो 2 LC, ओके। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ओके। सिमिलरली यहां पे, सो दिस इज ओमेगा 1, एंड वैसे ही यहां से अगर जो आपको ओमेगा 2 चाहिए, तो अनादर फ्रीक्वेंसी दैट यू यू विल गेट ओवर हियर इज ये RC प्लस R² C² प्लस 4 LC डिवाइडेड बाय 2 A, 2 LC, ओके। नाउ इफ आई डू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, क्योंकि मुझे F1 माइनस F2 चाहिए ना, मुझे वो रेंज चाहिए, या F2 माइनस F1, व्हाट आई वांट इज दिस रेंज F2 माइनस F1, तो उसके लिए पहले मैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करता हूं। सो लेट्स सी व्हाट एम आई गोइंग टू गेट। सो इफ आई डू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सो व्हेन यू डू दिस माइनस दिस तो ये टर्म और ये टर्म कट हो जाएगा, सो यू आर गोइंग टू गेट 2 CR डिवाइडेड बाय 2 LC, सो 2 C और C कट हो जाएगा, दिस विल बी L/R। सो ये डेल्टा ओमेगा दैट इज बैंडविड्थ, दिस इज इक्वल टू R/L,
ओके, नाउ डेल्टा ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1 इज इक्वल टू R बाय L। तो F2 माइनस F1 दैट विल गिव यू डेल्टा F, दैट इज R अपॉन 2 पाई L। दिस इज योर बैंडविड्थ, ठीक है ना। ऐसे जो सर्किट्स होते हैं ना, ऐसे सर्किट्स को कहा जाता है एक्सेप्टर सर्किट। नाउ दिस सर्किट इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर सर्किट। व्हाई डू यू कॉल दिस एज एन एक्सेप्टर सर्किट? इसलिए क्योंकि इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट मैक्सिमम है, तो ये जो सर्किट है ना वो इसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, इसी फ्रीक्वेंसी पे वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है। नाउ ये कंसेप्ट FM में यूज होता है। आप जब 92.7, 93.5, 98.3, 91 FM जब आप लगाते हो, तो दीज आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो आप जब 92.7 लगाते हो, तो 92.7 के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है, जो भी सिग्नल्स है, वो ही आपको मिलता है। ओके, आप थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो तो आपको शार्प आवाज नहीं आता ना, खर 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 साउंड आता है। ओके, सो उस एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे, उस फ्रीक्वेंसी पे, तो आप जब ट्यूनिंग करते हो तो आप बेसिकली कैपेसिटेंस चेंज करते हो, एंड जब आप कैपेसिटेंस चेंज करते हो तो आप कैपेसिटेंस इस तरह से एडजस्ट करते हो कि फ्रीक्वेंसी नाउ बिकम्स इक्वल टू दिस, ये रिलेशनशिप फॉलो हो जाए। जैसे ये रिलेशनशिप फॉलो हो जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो भी पावर कंजम्पशन होता है वो मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, तो वो जो सर्किट है वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रही है। ओके, सो दैट इज व्हाई सच सर्किट्स आर कॉल्ड एज, सो सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बिकम योर एक्सेप्टर सर्किट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, फाइन। ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर। ओके, क्वालिटी फैक्टर इसको हम लोग क्यू फैक्टर कहते हैं। अब क्यू फैक्टर क्या होता है पता है? मान लो ये जैसा आपका करंट का ग्राफ है, मान लो ऐसा है कि ये ग्राफ है। सो हमें ये पता है ना कि इस फ्रीक्वेंसी के अराउंड आप जैसे ही फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भी चेंज करते हो, आपका करंट जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। आप थोड़ा सा यहां से यहां पे चले जाओ तो आपका देखो करंट कितना रिड्यूस हो रहा है। यहां पे आपका करंट इतना था, दिस वॉज IMAX, एंड सडनली यहां पे ये करंट आपका कितना रिड्यूस हो रहा है। लेट्स कॉल दिस एज I2, दिस इज F2। ओके, सो बेसिकली ऐसे कि इसमें ही आपका जो पीक है वो बहुत ही शार्प है, एंड आपका ये जो ग्राफ है दैट इज वेरी नैरो। सो वॉट इट टेल्स यू इज, इट टेल्स यू दैट एट दिस फ्रीक्वेंसी योर करंट इज मैक्सिमम, बट जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा भी डिविएट होते हो आपका करंट फॉल हो जाता है, तो सिग्नल वीक हो जाता है। सो आई कैन से एट फ्रीक्वेंसी F0, ओके, सिग्नल इज शार्प। नाउ एज वी डिविएट फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी सिग्नल बिकम्स वीक, जो होना चाहिए। अब आप इमेजिन करो कि मान लो कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल भेज रहे हो, बाकी कोई जो है वो कोई और फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल भेज रहा है, तो क्या होगा पता है? आप फ्रीक्वेंसी अगर जो आपकी थोड़ी सी भी डिविएट करोगे, चेंज करोगे, तो ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, सॉरी, मान लो आप डेटा भेज रहे हो इस फ्रीक्वेंसी पे, कोई और डेटा जो भेज रहा है वो भेज रहा है इस फ्रीक्वेंसी पे। अब आपको पता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे आपका जो डेटा है या उसकी जो सिग्नल क्वालिटी है दैट इज वेरी वेरी वीक। ओके, तो आप मान लो रेडियो सुन रहे हो, एक चैनल इस फ्रीक्वेंसी पे भेज रहा है चीजें, दूसरा चैनल इस फ्रीक्वेंसी पे भेज रहा है। आप अगर जो ट्यून करते हो तो ऐसा होगा ना कि आप F2 पे चले जाओगे तो आपको इस चैनल का कुछ नहीं सुनाई देगा, आपको दूसरे ही चैनल की चीजें सुनाई देंगी, विच इज वेरी गुड। बट कई बार ऐसा होता है ना कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जब आप ट्यून करते हो तो दो चैनल साइमल्टेनियसली सुनाई देता है। वो पता है कब सुनाई देता है? वो इस केस में सुनाई देता है। लेट मी ड्रॉ दिस,
मान लो ये पीक आपका ऐसा कुछ है, तो ये तो दिस करस्पॉन्ड्स टू योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज जो है मान लो ये होंगी, सो F1 एंड F2, तो आपका बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है ना। अब मान लो कोई जो है वो यहां पे किसी तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, लेट्स कॉल दिस एज F3, सो कोई एक चैनल है जो F3 फ्रीक्वेंसी पे अपना डेटा भेज रहा है, गाने चला रहा है, ये जो भी कर रहा है वो अपना डेटा भेज रहा है, कोई एक रेडियो चैनल है। अब क्या होगा कि जब वो F3 पे चलाएगा तो आपका जो डेटा है और उसके डेटा के साथ ये क्लैश होगा ना, ये मिक्स होगा। अगर जो मान लो आप क्या बोलोगे कि भाई आप F3 पे नहीं चला सकते क्योंकि इस रीजन में मेरा ही डेटा है, तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो बैंडविड्थ है ये आपको खरीदनी पड़ती है गवर्नमेंट से। ओके, तो अब आपको अननेसेसरीली बहुत ज्यादा बैंडविड्थ खरीदनी पड़ेगी ना, करेक्ट, क्योंकि आपका सर्किट अच्छा नहीं है। आपका सर्किट ऐसा हो तो आप बोलोगे कि भाई मुझे इतनी ज्यादा बैंडविड्थ खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ओनली बाय दिस मच बैंडविड्थ, क्योंकि इस बैंडविड्थ में मेरा आवाज क्लियरली आ जाएगा। एंड इसके बाहर अगर जो मान लो इसके बाहर वाली कोई भी और फ्रीक्वेंसी चलाता है तो मतलब आई वोंट गेट अफेक्टेड, मेरा डेटा उसके साथ मैच नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। सो आपको समझ में आ रहा है कि इस केस में योर पीक इज नॉट वेरी वेरी शार्प। जब आपका पीक शार्प नहीं होता तो यहां पे आई विल से दैट क्यू फैक्टर इज स्मॉल एंड यहां पे योर क्यू फैक्टर इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज। ठीक है, हाउ डू यू फाइंड आउट द क्यू फैक्टर? क्यू फैक्टर को फाइंड आउट करने का तरीका ये है, सो क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट इज सिंपली इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा, जहां पे ये ओमेगा नॉट है इट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ नॉट अपॉन डेल्टा एफ, सो एफ नॉट अपॉन F2 - F1। हाँ, ये क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? क्यू फैक्टर एफ नॉट वी नो इट इज इक्वल टू 1/2π√LC डिवाइडेड बाय F2 - F1। F2 - F1 अभी हम लोगों ने निकाला हुआ था, F2 - F1, हाँ, डेल्टा एफ दैट इज R/2π L। सो लेट्स डू दिस, सो इट इज R/2π L, सो ये 2π और 2π कट हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड, यहां से ये एल ऊपर चला जाएगा। सो आपका ये जो क्यू फैक्टर होगा, दिस क्यू फैक्टर विल बी इक्वल टू 1/R√LC। दिस वुड बी योर क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना आपका पीक जो होगा वो शार्प होगा, क्यू फैक्टर जितना कम होगा इतना ये फ्लैटेंड पीक होगा। ओके, नाउ दिस इज अ बेटर सिलेक्टिव सर्किट एज कंपेयर टू दिस वन। सो आई होप आपको क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये समझ में आया है। ओके, ठीक है, टेली कम्युनिकेशंस में ये क्वालिटी फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू वुड वांट टू हैव पीक व्हिच इज ऑफ दिस टाइप एंड नॉट ऑफ दिस टाइप, एंड इस टाइप के पीक के लिए क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। फाइन, ठीक है। सो यहां पे हम लोगों ने सीरीज LCR सर्किट देखा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट द पैरेलल LCR सर्किट एंड वी विल ट्राई टू सी कि वहां पे रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है। ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है, ओके, चलो देन, बाय एवरीवन।